8 नवंबर रात के 8 बजे आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी का ऐलान किया गया था। नोटबंदी के आज पूरे 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नोटबंदी का ऐलान किया, जिसके बाद उसी दिन से यानी कि रात के 12 बजे से 500 और 1000 के नोट को चलन से बाहर कर दिया गया। पुराने नोट 500 और 1000 के नोट की मान्यता को रद्द कर दिया गया। नोटबंदी के अगले कई महीनों तक देश में काफी अफरा तफरी का माहौल था। लोगों को पुराने नोट जमा करने और नए नोट हासिल करने में बैंकों में लंबी कतार लगना पड़ा। इन सब बातों से आप बखूबी वाकिफ होंगे। नोटबंदी के बाद कहा गया कि इससे काला धन खत्म होगा, आतंकवाद खत्म होगा, नक्सलवाद खत्म होगा और नकदी का चलन कम होगा, यानी कि कैश फ्लो में कमी देखने को मिलेगी। अब इन 5 सालों में क्या हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। आंकड़ों पर गौर करें तो नोटबंदी के 5 साल के बाद भी देश में करेंसी नोटों का चलन बढ़ता जा रहा है, यानी कम होने के बजाय कैश फ्लो में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि इसके साथ ही एक डिजिटल पेमेंट भी तेजी से लगातार बढ़ रहा है। लोग कैशलेस पेमेंट मोड की तरफ जा रहे हैं। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे ऐप का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है इन दिनों। नोटबंदी में क्या हुआ था? नोटबंदी में 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। इसके कुछ दिनों बाद सरकार के द्वारा 500 का नया नोट, 2000 रुपए का नया नोट जारी किया गया। कुछ दिनों के बाद 200 रुपए का नोट भी शुरू किया गया। मैं अब आपको एक आंकड़ा बताता हूं, रिजर्व बैंक का आंकड़ा है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक नोटबंदी से पहले यानी कि 4 नवंबर 2016 को देश में चलन में रहने वाले कुल नोटों का वैल्यू यानी कुल नोटों का मूल्य 17.74 लाख करोड़ रुपए था। लेकिन ये बढ़ते हुए इस साल यानी कि 2021 29 अक्टूबर को 29.17 लाख करोड़ रुपए हो गई। यानी नोटबंदी के बाद से अब तक के वैल्यू के लिहाज से नोट के सर्कुलेशन में करीब 64% की बढ़ोतरी हुई है। 64% कैश फ्लो बढ़ा है इन 5 सालों में। पिछले एक साल की बात मैं करूं तो पिछले एक साल में तुलना करें तो 30 अक्टूबर 2020 को सर्कुलेशन में रहने वाले नोटों का मूल 26.88 लाख करोड़ रुपए था। यानी कोरोना काल में पिछले एक साल में नोटों का सर्कुलेशन करीब 8.5% बढ़ा है। अब नोटबंदी में इन 5 सालों में जमशेदपुर में कितना बदलाव हुआ है, इसी बात को जानने के लिए आज हमारे संवाददाता सरफराज शाह जमीन पर उतरते हैं, लोगों से बात करते हैं कि इन 5 सालों में जमशेदपुर के जनता की लाइफस्टाइल में कितना चेंजेस आया है, कितना फर्क पड़ा है। जमशेदपुर की जनता ने सरफराज शाह से क्या कहा, आप भी सुनिए। नोटबंदी को जो है 5 साल हो गए, इसको लेकर आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है? नोटबंदी जिस समय हुआ था उस समय का प्रभाव बहुत ही मतलब खराब था। खराब इसलिए था कि धन का आवागमन, बिजनेस सब पर असर पड़ा और आदमी के पास जो था घर में रखा हुआ धन उसको निकाल दिया। आम आदमी, बड़ा आदमी क्या किए इसका तो आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आम आदमी का जो धन था वो तो घर से निकला, बैंक में गया और बैंक के बाद वो सारा पैसा वो खर्च ही हो गया। उसके बाद उसका कोई रिप्लाई नहीं आया कि मतलब उससे बेनिफिट क्या हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा था भ्रष्टाचार खत्म होगा, काला धन वापस आएगा, आया न काला धन आज तक 5 साल में दिखा, न भ्रष्टाचार खत्म हुआ। अपना परिचय, नाम? ब्रजेश कुमार सिंह। अच्छा ही तो हुआ, क्या कहेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ा इसमें। नोटबंदी सही था फैसला? सही था। उस वक्त में बहुत लोगों की मौतें हुई थी नोटबंदी की वजह से और लोगों का कहना था कि आम लोगों की जिंदगी जो इससे काफी ज्यादा त्रस्त होगी। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, नोटबंदी की वजह से नहीं मरा होगा कोई, मेरे हिसाब से मर रहा तो रोज ही लोग, कितना तरह का प्रॉब्लम हो रहा, कितना तरह तो बीमारी से मर रहा, तो नोटबंदी से जोड़ के देखा देना तो वो अच्छा बात नहीं। आप लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं।
नोटबंदी 5 साल हो गया नोटबंदी को, इन 5 सालों में क्या अनुभव रहा? नोटबंदी से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, खास करके मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो लोग भी थे। और हम तो चाहते हैं कि एक बार फिर से नोटबंदी हो, और वो 2000 का नोट बंद होना चाहिए, क्योंकि 2000 का नोट ना बैंक में दिख रहा ना मार्केट में दिख रहा, आखिर गया कहाँ वो 2000 का जो भी नोट है? वो सब बड़े बड़े लोग दबा के आज भी रख लिए हैं, फिर से करप्शन बढ़ रहा। तो एक बार 2000 का नोट बंद होना बहुत ज़रूरी है, अभी फिर से होना चाहिए। हम तो मोदी जी का ध्यान चाहेंगे कि इस तरफ एक बार फिर से आए। हाँ सोचते हैं हम लोग का, इसमें तो बहुत हम लोग को तकलीफ हुआ, ऐसा ऐसा बहुत नहीं कमा पाए हम लोग भी, बहुत अंतर पड़ा उसमें। अब प्रधानमंत्री ने कहा था कि नोटबंदी से जो भ्रष्टाचारी है उस पर काफ़ी हद तक लगाम लगाएंगे, क्या उसमें? तो आपने वो क्या किए ये तो नहीं बता सकते हम लोग, क्या ये लाए कि नहीं लाए, बोला काला नोट हम वापस लाएगा, कहाँ लाए हैं, कहाँ लेके आए वो आए, जो हम काला नोट बाहर देश से लेके आएगा, लेके आए हैं। आप लोगों को दिक्कत हुआ इससे? दिक्कत तो हुआ है, बहुत दिक्कत हुआ हम लोग। ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया था ये बहुत ही अच्छा निर्णय था। आज के डेट में जो डर के चलते थे कि हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, मुझे पॉकेट मारो से सावधान रहना है, हम कैश लेके ज़्यादा नहीं जा पाते थे, आज इन तरह की जो ये इनका निर्णय हुआ है ना, ये मतलब बहुत ही सराहनीय है। आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ा? आम लोगों को कोई असर नहीं पड़ा, असर अगर पड़ा है तो आपको भी पता है और हमको भी पता है, जिनके पास काला धन था, जो हमारे नेता हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके ऊपर फर्क पड़ा है। हम लोगों ने कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही हो। क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ, काला धन वापस आया? बहुत हद तक भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। पहले हम लोग देखते थे कि यहाँ टेररिस्ट ने अटैक किया, वहाँ किया, जब कैश का ही लेन देन खत्म हो गया, जब काला धन है ही नहीं तो इस तरह की लेन देन हो नहीं रही, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार बहुत हद तक खत्म हुआ है। अभिषेक मिश्रा। कुछ नहीं सोचते, क्या सोचे, कुछ नोटबंदी का कुछ प्रॉफिट ही नहीं है। आप लोगों पर क्या असर पड़ा? बहुत बुरा असर है, सब चीज महंगा होता जा रहा है, कहाँ जिएगा आदमी। आज जो काला धन वापस लाने के लिए नोटबंदी किया गया था, उसमें सक्षम हो पाए प्रधानमंत्री? नहीं सक्षम है। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आजाद रिपोर्टर की टीम के साथ बने रहे, हमारे मोबाइल जर्नलिज्म को सपोर्ट करें, हमें YouTube पे सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पे हमें फॉलो करें। शुक्रिया।